गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड तमाम वैकेंसी रैलियों आदि के बारे में मैं समय समय पर वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइबर कर रखा है तो धन्यवाद दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इंडियन आर्मी, BSF, ITBP, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, सभी के अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है दोस्तों, तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इंडियन आर्मी, BSF आदि का मेडिकल देने जा रहे हो तो वो वीडियो जाके देख लें दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों, मुझे बहुत लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमें बताओ कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो पूछ रहे हैं मेरे को कि सर मेरे दांतों में गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई पूछ रहा है मेरे दांतों में KVT है, कोई पूछ रहा है मेरे दांतों में दांत टूटा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के सभी सभी सवालों के सभी आंसर मैं आज लेके आया हूँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर लें, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड और BSF, CRPF आदि से रिलेटेड तमाम वैकेंसियों की जानकारी और इनसे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों दांतों में जो प्रॉब्लम आती हो, जैसे कि आप मेरे दांत देखो दोस्तों, इस प्रकार के आपके दांत होने चाहिए, यूँ करके। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा मेरे नीचे भी 16 दांत हैं, ऊपर भी 16 दांत हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इंडियन आर्मी के अंदर 16 16 32 जो प्राकृतिक रूप से अपन दांत आए हुए हैं वो माने जाते हैं दोस्तों। उनकी ये रहती है कि आपके जबड़े के अंदर पूरे 32 दांत होने चाहिए। अगर आपके जबड़े में 32 दांत नहीं है तो वो आपको मेडिकल में रेफर दे सकता है, इसलिए अपने जबड़े में 32 दांत होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दांतों में कहीं जैसे टूट रहा हो, जैसे मेरी बात करता हूँ, मेरे एक दांत में गड्ढा था दोस्तों, ये देखा दोस्तों मेरे इस दांत में गड्ढा था, तो मैंने इस दांत में वो डॉक्टर के पास जाके वो मसाला भरवा लिया दोस्तों। तो आप भी प्रॉब्लम हो तो आप भी इसी प्रकार डॉक्टर के पास जाके अपने दांत में इस प्रकार मसाला भरवा के जा सकते हो दोस्तों। आपको कभी मेडिकल में पॉइंट नहीं देगा, दांतों के अंदर कभी पॉइंट नहीं आएगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना, मैं हर संभव आपकी मदद करने की कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।